देखिए चौथा सवाल है प्रश्नावली। बहुत ही बढ़िया सवाल है। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर, यानी इसने हमें बता दिया कि त्रिभुज कैसे है दोनों समरूप, समरूप और क्षेत्रफल कैसे होंगे बराबर, दोनों बातें बता, त्रिभुज भी समरूप है और क्षेत्रफल भी बराबर। आ जाइए तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज समरूप, यानी अगर दो त्रिभुज समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं तो हमें सिद्ध करना है कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांग समरूप है। समरूप तो है ही पहले, यानी क्या ज्ञात है आपको, दो त्रिभुज हैं ज्ञात है तो आप दो त्रिभुज बना लेंगे अपने आप को, एक का नाम ए बी सी रखेंगे और दूसरे का हमेशा बी क्यू आर ही रखेंगे। आप लोग सर्वांगता बना रहे हैं दोनों को बराबर ही करना पड़ेगा। ये सी है और ये पी क्यू, तो आपको पता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर के, और साथ साथ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज बी क्यू आर के। ये बात आपको क्या सिद्ध करना है, आपको आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सर्वांग समता समरूपता में क्या अंतर होता है। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर और संगत कोण बराबर। सर्वांग समता में संगत भुजाएं भी बराबर होती है और संगत कोण भी बराबर। सर्व अंग समान, नाम से पता लगता है, हर चीज के नाम से आइडिया लग जाता है। समरूप एक जैसा रूप, यानी एक छोटा बड़ा होता है एक बड़ा हो सकता है, रूप एक जैसा, रूप एक ही होगा ठीक है। जैसे हनुमान जी है आकार बड़ा छोटा कर लेते हैं हनुमान जी, ऐसे ही सर्वांग सम सर्वांग समान दोनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए ठीक है। रावण के 10 सिर सारे एक समान ठीक है। उपपत्ति चलिए उपपत्ति शुरुआत करते हैं, और शुरुआत जो चीज से होती है जो पता होता है, क्या बताया मुझे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज हमने पढ़ रखी है। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है, हमने पढ़ रखा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, पढ़ाई नहीं फिर में गए फिर कैसे भूल गए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होता क्षेत्रफल का अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर। ये है प्रमेय, प्रमेय नंबर आप देख सकते हो 6.6 सिद्ध भी करवा रखी है हमने। तो क्या बताया दोनों, लेकिन शर्त क्या है कि दोनों त्रिभुज कैसे होने चाहिए समरूप, जो इन्हें बता तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब हुआ कि ए बी बटा पी क्यू संगत भुजाओं का अनुपात होगा इनके वर्ग के बराबर होगा, कोई समस्या। और दूसरी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, ए सी बटे पी आर इसका भी वर्ग होगा। और तीसरा क्या है, सबको समझ आ गई ये बात। अब क्योंकि त्रिभुज ए बी सी का ये तीन निशान बनते हैं एक ये नीचे, क्योंकि क्या कहते हैं इसको क्योंकि ठीक है। और एक ये बनता है चूंकि, क्योंकि को चूंकि चूंकि करते थे ठीक है, पता क्योंकि अच्छा क्योंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है
बराबर होगा त्रिभुज पी क्यू आर का होगा कहीं तो दिया ही है ना ज्ञात है तो अगर दो चीजें बराबर है तो उनका अनुपात कितना होता है एक आएगा हाँ। दो चीजें बराबर है उन दोनों का अनुपात होगा तो ऊपर से नीचे वाला करके एक आ जाएगा हाँ। इसका मतलब इन दोनों का अनुपात कितना आना चाहिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल इन दोनों का अनुपात कितना आना चाहिए और हमारे पास इन दोनों का अनुपात किसके बराबर है तीनों के वर्ग के बराबर ठीक है तो आप लिखेंगे अतः जब इन दोनों का अनुपात एक है और इन दोनों का अनुपात हमने प्रमेय से ये निकाला है तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर यानी ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर होना चाहिए बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए किसके समझा रही बात नहीं भाई इनके क्षेत्रफल का अनुपात है क्योंकि बराबर और क्षेत्रफलों का अनुपात भजाओगे अनुपात समानुपात के वर्ग के बराबर हो जाए कहती है अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज समरूप बता रखे हैं तो यानी ये वाले अनुपात इसके बराबर होंगे तो जब ये सब बराबर है तो एक एक करके ना बराबर ले लो ए बी बटे पी क्यू का वर्ग बराबर एक बी सी बटे क्यू आर का वर्ग बराबर एक और ए सी बटे पी आर का यहाँ से कितना आ जाएगा वर्ग से वर्ग वर्ग से जाकर वर्गमूल बन जाए और एक का वर्गमूल एक ही होता है तो कितना आ गया ए बी बटे पी क्यू बराबर एक बी सी बटे क्यू आर बराबर एक और ए सी बटे पी आर बराबर चाहो तो ऐसे रखो तो तिरछी गुणा करोगे ए बी किसके बराबर आ गया पी क्यू के और बी सी किसके बराबर आ गया और ए सी किसके बराबर पी आर के किताबों में आपको सीधे यहाँ के बाद सीधे यहीं आ जाते हैं ये वाला स्टेप बाय कर देते हैं मान लेते हैं कि बच्चा इतना समझदार है कि वो वर्ग इधर ले जाते हैं एक के वर्गमूल को एक लिख लेता है ठीक है अगर दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हो जाए कोण बराबर नहीं है इस बार तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं सर्वांग सम का निशान ये होता है और ये नवी क्लास में था और इसे कहेंगे एस 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 सर्वांग कितने लिखना था ठीक है ये प्रश्न आपका हल आगे बढ़ दूसरा सवाल करा दिया हमने हाँ दूसरा निकल आया अभी पहला अच्छा पहला तो खुद ही निकल गया ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सवाल आप किताब से खुलता ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें इसने बता रखा है कि ए बी बराबर जो है वो दुगना है सी डी का ये आपको ज्ञात है और साथ साथ ये भी पता है कि ए बी सी डी एक कैसा है समलंब चतुर्भुज है चतुर्भुज नहीं लिखो समलंब भी लिखो तो भी चल जाता है जहाँ ए बी समलंब चतुर्भुज कौन होता है इसके दो भुजाएं आपस में अच्छा समांतर हो बराबर अलग मुद्दा होता है समांतर अलग मुद्दा बराबर का मतलब इनका जो माप है वो बराबर हो और समांतर का मतलब है आमने सामने की भुजाएं आगे बढ़ाने पीछे बढ़ाने पर कहीं भी नहीं मिलेंगी क्लियर हो गई बात अब हमें निकालना है एओबी और सीओडी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या ज्ञात करना है हमें त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD COD वो तो है ही नहीं अभी आएगा इसे और इसे मिलाओ ये एक दूसरे कहाँ काटेंगे OB और लिख दोगे विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O पर काटते चलिए भाई ये दोनों कोण कैसे होंगे आपस में वर्टिकली अपोजिट टाइप का क्यों अगर दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण जो है वो सीसमुख कोण होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बी ओ ए कभी सुना होगा नहीं सुना शीर्ष अभिमुख तो सुना ही होगा शीर्ष मतलब शीर्ष
शीर्ष किस में होता है, क्योंकि कोण होता है, कोण का शीर्ष कहलाता है। ये शीर्ष सब मुख आमने सामने, तो शीर्ष सब मुख कोण आपस में बराबर, तो ये वाला कोण किसके बराबर होता है। अगर दो रेखाएं समांतर है एक त्रिज्या है तो जेड में बनने वाले कोण एकांतर अंतर कोण है। तो दो समांतर रेखाओं में और एक त्रिज्या रेखा अगर होती है तो जो ज़िगज़ैग में कोण बनता है जेड में वो एकांतर अंतर कोण कहलाता है। और रेखाएं समांतर हो तो एकांतर अंतर कोण भी आपस में बराबर। कक्षा 9 में आजकल यही पढ़ाया जा रहा है, एक कल पढ़ाया था एक आज पढ़ाया था। जो ज्यामिति जिसकी भी है वो दोनों कक्षा 9 वाले वीडियो देख, ज्यामिति स्ट्रॉन्ग है। तो ये वाला कोण जो है इसके बराबर इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है और ये क्या है त्रिज्या है ना, जेड आकृति बन रही है। तो जेड की आकृति बन रही है, जेड की आकृति में जो ये जेड के वाले जो कोण है ये आपस में बराबर होते हैं, जबकि ये जेड की जो भुजा है ये आपस में समांतर हो तो ये वाला कोण इसके बराबर। इसे एकांतर अंतर कोण कहते हैं। डी और बी बराबर है, दो ही गुणों की आवश्यकता होगी क्योंकि हमें अनुपात किसके त्रिभुज का निकालना है। देखो जरा AOB और DOC, तो इन दो त्रिभुजों में हम देख रहे हैं ये कोण इसके बराबर और ये कोण, दो कोण बराबर तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समरूप। और जैसे त्रिभुज समरूप हुए ये वाली प्रमेय लगा देंगे कि अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। वर्ग क्यों भूल जाते हो बोलना, ठीक है क्षेत्रफल की बात। तो इन दोनों त्रिभुजों में झांक लेते हैं, पहले इन्हें समरूप कर लेते हैं। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD, देखो जरा कोण AOB बराबर है कोण COD और साथ साथ कोण BAO बराबर है कोण DC। ये क्यों है बराबर? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और ये क्यों है बराबर? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है प्रमेय 6.6 से? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के बराबर। अब अनुपात कहना भूल गए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। क्या होगा? खड़ा हो, क्या नाम है तुम्हारा? क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई? तो तुम बोल बोल तो नहीं रहोगे, ऐसे खड़ा हुआ बैठा हुआ है, ध्यान दो इधर। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल ये भी बटे बराबर संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है। ये कोण इसके बराबर है, इसके सामने ये भुजा इसके सामने ये भुजा, तो ऊपर AOB दिखाए तो AOB वाली भुजा लिखेंगे, AB और नीचे CD दिखाए और इसका ये कौन से प्रमेय है? आप उसका कथन यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास समय भी नहीं है और जगह भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम कोई बात बोल के बता देते हैं। तो आप ए बी का मान कितना है? अरे देख लो ना, यहाँ से लिखा होगा सर, क्योंकि ए बी का मान है दो, तो हमने ए बी की जगह लिख दिया दो सी डी, सी डी से सी डी कैंसिल, दो का वर्ग कितना होगा? चार, दो गुणा दो यानी चार। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात आपके पास आ गया कितना? चार बटे एक। तो इसको लिखने का तरीका ये भी होता है ना शॉर्ट में, त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले बटे वाला एरिया का अनुपात किससे? एरिया त्रिभुज COD, और अनुपात कितना आ रहा है? समरूप त्रिभुज दिए थे, भुजाओं का अनुपात दिया था, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ दिया था। चलो करो।